हाल ही में मिसेस वाड्रा जी ने ये कहा कि देश का संविधान हर महिला को ये हक देता है कि वो कुछ भी पहने, चाहे वो बिकिनी हो, चाहे घूंघट हो या हिजाब हो। मैंने वाड्रा जी से कहा कि बात यहाँ पर स्कूलों की और कॉलेजेस की हो रही है, तो क्या आप चाहेंगे कि लड़कियाँ बिकिनी पहनकर किसी स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए? नहीं ना। तो जिस संदर्भ में बात हो रही है, आप उस संदर्भ में अपनी टिप्पणी दें। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विषय मुद्दा बना है, ये कल तक नॉन इशू था। आज हम हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे संगठन हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो चाह रहे हैं कि ये देश फिर से बढ़ जाए और देश की एकता टूट जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक साथ जुड़कर फिर से ये जताएंगे और बताएंगे कि देश के संविधान से और देश की एकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्या बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच आपके शुभकामनाओं के लिए। और मैं चाहूँगी कि एक नई शर्लिन आपके सामने आए। और अब बहुत हो गया बिकिनी में शूट करना और यू नो छोटे कपड़े पहनना। अब मैं चाह रही हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूँ। जी, थैंक यू।